बार ना घंटी बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारी फोन तुम्हें घंटी बजा। एक बात बताइए कि आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है हम लोग उनके साथ। हर जमाल ला रही चुनाव मैदान में है? नहीं, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं, वो धरती पकड़ धरती पुत्र हैं, वो हर चुनाव में आते हैं। अभी उनका टिकट कट गया था, मंजू का हो गया, मंजू का कटने के बाद ये उन लोगों का खेल चल रहा है। ये भाजपा की ये बी टीम है, भाजपा के लोगों ने अतहर जमाल लारी को पैसा देकर उनको फील्ड में उतारा है कि वो। बनारस न्यूज बुनकर की आवाज आज फिर हाजिर है नई खबर के साथ कि बनारस के लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या है इस बार उनका चुनावी मुद्दा। लोगों ने अपनी समस्याओं को और अपनी बातों को रखते हुए बताया कि वह इस बार किन को सांसद बनाएंगे। किसी ने यहां तक कह दिया कि अतहर जमाल लारी को भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है। न्यूज अगर अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपकी कमेंट से हमारी न्यूज चैनल को और बेहतर बनाई जा सकती है। कर रहे हैं तैयारी, बूथ स्तर से हम लोगों की तैयारी है। और अभी आपने बोला कि मुसलमान, मुसलमान ही नहीं पूरे वाराणसी के, वाराणसी संसदीय क्षेत्र के तमाम सारे वर्ग के हर धर्म के लोग अजय राय जी के समर्थन में उतरे हुए हैं और अच्छे तरीके से उनको आने वाले जो दिन तारीख होगी, 1 तारीख होगी, उस दिन आप देखिएगा कि बहुत परसेंटेज में लोग वोट देंगे। इसलिए कि यहाँ बनारस के लोग उठ चुके हैं, हम लोगों को बहुत आशा थी कि इस देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और काशी धरती के वो सांसद हैं। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है, झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है। सुना है कि काशी भी अब जापान होने वाला है, सिर्फ सड़कें चमकाने से काशी का विकास नहीं होगा। उनके काशी गलियों का शहर है, आप उस गली में जाइए जहां बज बजाते हुए आपको शीवर लाइन मिलेंगे, जहां उखड़े हुए खड़ंजे मिलेंगे, जहां लाइटें नहीं जलती हैं और अभी भी हम पानी वही पुराना गंदा पानी पीने के लिए विवश हैं। और जहां आप ये कह रहे हैं बुनकर समाज पूरे तरीके से गठबंधन की तरफ है और पूरे तरीके से तैयारी कर रहा है और यहां का बुनकर आज यहां काशी का बुनकर पलायन कर रहा है। अच्छा, और कभी बताइए कि आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है हम लोग उनके साथ। अतहर जमाल लारी चुनाव मैदान में है? नहीं, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं, वो धरती पकड़ धरती पुत्र हैं, वो हर चुनाव में आते हैं। अभी उनका टिकट कट गया था, मंजू का हो गया, मंजू के कटने के बाद ये उन लोगों का खेल चल रहा है। ये भाजपा की ये बी टीम है, भाजपा के लोगों ने अतहर जमाल लारी को पैसा देकर उनको फील्ड में उतारा है कि वो मैनाटी का वोट काटेंगे। लेकिन इस बार एक वोट भी, जिसे कहते हैं, हर लोग जानते हैं कि अतहर जमाल लारी हमेशा चुनाव लड़ते हैं और वो अपने पैसे के लिए चुनाव लड़ते हैं कि कुछ पैसे उन्हें मिल जाए तो उनकी दिनचर्या चले और बाकी उनके अंदर कुछ नहीं है, कभी वो फिर फील्ड में नहीं दिखाई दे। मिजाज कैसा चल रहा है इस बार चुनाव? इस बार बनारस के लोग नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजने का पूरा प्लान कर चुके हैं और इस बार अजय राय जी को बनारस से ऐतिहासिक मतों से काशी के लोग विजयी बनाने जा रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन का हिंदुस्तान में सरकार बनने जा रहा है। क्या कहेंगे भाई, किस तरीके से सरगर्मी बढ़ रही है? हम लोग बुनकरों पे काम करते हैं पूरे प्रदेश में, तो हम लोगों की एक मांग पत्र थी, हम लोग इस मांग पत्र को अध्यक्ष जी को दिए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी को, और हम ये चाह रहे थे कि जो हमारी मांग है, हम तो वोट देते हैं, सिर्फ वोट देने का हक तो हमको है नहीं भाई, हमारे भी कुछ राइट हैं, तो उस राइट के अकॉर्डिंग हमने अपनी बात कही है। हमने अपनी बात जो हमारी थी, पलायन का मुद्दा था, बिजली सब्सिडी का मुद्दा था, एरियर जीरो नहीं हो रहा है वो मुद्दा था, और जो आरक्षित सीट होती है वो हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि बुनकरों के लिए या मुस्लिमों के लिए भी कुछ आरक्षित सीट की जाए, हमारी भागीदारी भी बढ़नी चाहिए। उन सब मुद्दों पे बात ये भी और आगे वार्ता होगी और हम ये चाह रहे थे जो बुनकरों का साथ देगा, जो हमारा साथ देगा, जो संविधान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री आप लोगों के साथ हैं? प्रधानमंत्री जी से कई बार हम लोगों ने पत्र के माध्यम से और कई लोगों के माध्यम से अपने सांसद जी से मिलने की कोशिश की, पत्र लिखा, मिलने का प्रयास किया, लेकिन हमारी गुहार वहां तक नहीं जा पा रही है, वो बहुत बड़ा कद हो गया है, तो बनारस में रहने लायक वो कद नहीं है क्योंकि जनता अपनी ये चाहती है कि हम। नमस्ते, मैं कुंवर बबलू बिन। जैसा कि अभी आप हमारे बुनकर भाई कह रहे थे, तो मैं, हम लोग तो सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम बहन भाई का नारा देते हैं,
और नारा देते ही नहीं, उस पर अमल भी करते हैं। तो हमारी कांग्रेस की देखिए इंडिया गठबंधन की 5 न्याय है, जिसमें अभी हमारे बुनकर भाई ने कहा, हिस्सेदारी, भागीदारी, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय। तो ये 5 न्याय ऐसे हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने ऐसा दे दिया है कि इससे मोदी जी और पूरी भाजपा की सरकार हिल गई है और उस पर झूठा आरोप लगा के उसको बदनाम कर रही है। और अगर आप ये 5 न्याय अगर आप खुद अगर उसको पढ़ेंगे या और जो भी भाई हमारा पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, इस बार इंडिया गठबंधन आप करने क्या जा रहे हैं, कर रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है तो बहुत लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा चलिए, आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि आपने पढ़ा और मोदी जी की बात झूठ साबित हुई इसमें भी। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि देखिए इस बार इंडिया गठबंधन, अभी हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, यहाँ CPI CPM के, शिवसेना के और आम आदमी पार्टी के, सपा के सभी लोग यहाँ आए थे। तो यहाँ ये केवल आए नहीं थे, ये भीड़ नहीं है, ये किराए की भीड़ नहीं है, जैसा कि गुजरात के मोदी जी के नामांकन में भीड़ आएगी बाहर से, यहाँ की नहीं रहेगी। तो ये स्थानीय भीड़ है और स्थानीय लोग चाहते हैं कि अब बनारस का सांसद स्थानीय होना चाहिए, यह मूड मिजाज एकदम बना लिए हैं और चाक चौबस से एकदम होकर इस बार लड़ाई बढ़िया होगी और चौचक होगी। ठीक है, क्या मानते हैं किस तरीके से इस बार चुनाव? देखिए आपकी बात, बनारस की जनता जो है 2 बार छली गई, तीसरी बार लगातार नहीं छली जाएगी। आपकी बात, बनारस की जनता मन बना चुकी है कि बनारस के लाल अजय राय को जिताना है और प्रचंड बहुमत से जिताना है। और ये अंदर जो सुरूरी पहुंची हुई है, इससे बनारस ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल चुकी है और बनारस आपकी बात सबक सिखाएगा गुजरात को। ये गुजरात का फर्जी माटी का लाल जो 2 बार बनारसियों को छला है, आपकी बार बनारस की धरती के लाल जो वास्तव में अजय राय ने काम किया है, इसी भारतीय जनता पार्टी में कलरा जो है इनको, इनके पूर्व सांसद जो यहाँ बनारस के थे राजेश मिश्रा जी, राजेश मिश्रा और मुरली मनोहर जोशी को दो दो हाथ करने की जो है ठाने और उसमें सफल रहे अजय राय जी, पिंडरा से 5 बार के विधायक रहे हैं। अब की बार बनारस की जनता इनको प्रचंड बहुमत से, हमारा साइलेंट वोटर है बनारसी, मैं दिल से कह रहा हूँ, अब की बार इनको बुरी तरह हरा करके ठीक इंदिरा गांधी की तरह दोहराया जाएगा, जब इंदिरा जी को हराने के लिए ठान लिए थे इसी बनारस के लाल ने, तो इंदिरा जी को बरेली से भी हारना पड़ा था बैलेट और बुलेट से। तो अब की बार यहाँ बुरी तरह से हार के जा रहे हैं, जो देख रहे कर जा रहा है प्रचंड बहुमत से जो जीत अपने और विश्व का डंका विश्वगुरु बन रहे हैं नरेंद्र मोदी। और फर्जीलाल के बारे में? नहीं, फर्जीलाल तो नहीं हम कहेंगे अपने जबान पे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मगर हम लोगों के सांसद है बनारस के। हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि भाई इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, पूरे मुल्क में घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, अपने बनारस की जनता को दर्द नहीं समझ पाते। आज बुनकर इतना परेशान है यहाँ पे कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है। आप एक युवा नेता है, पगड़ी बांधे हुए, क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी बहुत जारी है और एरिया पर नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे हम लोग। और युवा इतना परेशान है, रोजगारी नहीं, बेरोजगार है, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग 12 से पढ़े हैं, बेरोजगार हैं, नौकरियाँ नहीं है, इनकी सरकार में नौकरी है ही नहीं है, लड़के बेरोजगार एकदम, महंगाई बढ़ी हुई है, बता दे आप। ठीक